प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी किसानों को 3,000 रुपये महीना देने जा रहे हैं। कैसे मिलेगा, किन किसानों को मिलेगा और क्या पात्रता रहेगी, इन सब के बारे इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का नाम है किसान मानधन योजना, जिसके बारे में आप में से बहुत से किसानों ने सुना। देखिए, ये जो योजना है ये बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जागरूकता की कमी होने की वजह से कई किसानों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आपको मैं इसके बारे में बता दूं, आवेदन कैसे करना है और जो पंजीयन है वो कैसे होता है। तो इसके लिए आपको जनसेवा केंद्रों यानी कि CSC केंद्र पर जाकर राज्य नोडल ऑफिसर जो PM किसान होता है, जो रजिस्ट्रेशन करता है, उसके द्वारा योजना के लिए निःशुल्क पंजीकरण हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। तो 60 वर्ष की जब आयु पूरी हो जाती है उसमें, उसके बाद ये पेंशन शुरू हो जाती है। छोटे और बड़े किसानों दोनों को इसमें शामिल किया गया है और 3,000 रुपये की जो मासिक पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अगले अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यानी कि इस योजना की जो शुरुआत है 18 से 40 वर्ष के बीच में पंजीकृत किसान जो इस योजना में आवेदन करते हैं, पंजीकृत होते हैं, उन किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह, यानी कि आपको 18 से 40 वर्ष की जो आयु है उसमें 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह आपको जमा करना होता है। और उसके बाद आपको 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये की पेंशन केंद्र सरकार देती है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि अपनी ओर से देगी। यानी कि जो पैसा आप मिलाते हैं उतना ही पैसा अपने पास से सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो पेंशन निधि में बराबर राशि अपनी ओर से देती है। तो इस तरीके से इस योजना का जो लाभ है कई किसान ले रहे हैं, बहुत से किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपने भी अभी तक PM किसान मानधन योजना में आवेदन नहीं करवाया तो जल्दी से करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में इस योजना में जो पेंशन की राशि है वो डबल भी हो सकती है और कई किसानों को इसका अधिक फायदा मिलने लगेगा जो पात्र हैं, जो पुराने हैं। तो आप जल्दी से इस योजना में आवेदन करवाएं, CSC सेंटर, ऑनलाइन सेंटर, MP ऑनलाइन पर जाकर अपना आवेदन करवाएं और इस योजना में अपनी पात्रता चेक करें और जल्दी से अपना आवेदन करें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण योजना है मोदी सरकार की और इसके तहत 3,000 रुपये प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु पूरे करने के बाद मिलते हैं और ये राशि जो है वो आगे बढ़ भी सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा तो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अन्य किसान भाइयों के पास शेयर जरूर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के बारे में अच्छे से पता हो सके।